झांसी में बीते 4 नवंबर को यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के नाती प्रवीण को गोली मार दी गई। प्रवीण के जबड़े में गोली लगी थी। उनका झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। गोली चलाने वाला आरोपी भरत यादव और उसका साथी शिवम उर्फ शिवा फरार हो गए। बुधवार को पुलिस और भारत के बीच मुठभेड़ हो गई। भारत ने पुलिस के ऊपर फायर की। जवाबी फायरिंग में भारत यादव के भी पैर में गोली लग गई। आरोपी भरत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। भीड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली क्षेत्र में 4 तारीख की शाम को प्रवीण कोरी को अपराधियों ने गोली मार दी थी। इसके संबंध में थाने पर सूचना मिली, तत्काल थानाध्यक्ष पूरी टीम के साथ पहुंचे, सारे अधिकारी पहुंचे थे और परिजनों से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था, जिसमें 2 लोग नेम्ड थे, जिसमें भरत यादव और शिवम उर्फ शिवा, ये दोनों नेम्ड थे। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा की जा रही थी। इन्होंने गिरफ्तारी साक्ष्य संकलन के बाद गिरफ्तारी की तहरीरी दी थी कोतवाली और स्वाट टीम को। दोनों टीमों को आज सूचना मिली थी मुखबिर से कि ये पाड़री गांव से अंजनी माता मंदिर की तरफ जाने वाले हैं दोनों अपराधी। इस पे इनको घेराबंदी पुलिस टीम के द्वारा जब की गई और इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। काउंटर फायरिंग में जो भरत यादव वांटेड था इसको गोली लगी है और बाकी शिवम उर्फ शिवा जो इसके साथ में था इसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो जिसको गोली लगी है घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इनसे पूछताछ करके जो भी अन्य जो साक्ष्य हैं या अन्य और कोई अपराधी है या कोई षड्यंत्र में शामिल है ये सारा कुछ जाँच हम लोग कर रहे हैं। अन्य कोई भी नाम आता है और जो भी साक्ष्य इनसे मिलेंगे उसको भी हम लोग विवेचना में शामिल करते हुए जो गिरफ्तार अपराधी हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से क्या क्या मिला है? इनसे अवैध तमंचे 2 मिले हैं और मोटरसाइकिल जो उस दिन इन लोगों ने घटना में प्रयुक्त की थी ये चीजें बरामद हुई। मोटरसाइकिल बिना नंबर की है क्या? हाँ बिल्कुल, बिना नंबर की मोटरसाइकिल है और अवैध है तमंचे दोनों जो मिले हैं इनसे।